हमारे हिमाचल प्रदेश के राजा साहब वीरभद्र सिंह जी सबके दिलों की धड़कन थे, और इस देश की जो इस प्रदेश की जो धड़कन जो जो हमारे यहाँ की गरीब जनता है, जो यहाँ की पिछड़े हुए इलाके की जनता है, उन सब के दिलों में जो उनका दर्द था, उस दर्द को महसूस करने वाला अगर इंसान कोई था तो वो राजा साहब वीरभद्र सिंह जी थे। तभी मेरे पिताजी स्वर्गीय धर्मवीर धामी जी, जिनको यहाँ कुल्लू में भी उसी तरह का नेता माना जाता है कि वो भी गरीबों के मसीहा के तौर पे थे, उनके आइडल थे राजा साहब वीरभद्र सिंह जी, जिस वजह से मैं भी उस परिवार का और हॉलीवुड का रानी साहिबा का और राजा साहब विक्रमादित्य सिंह जी का हमेशा एक सच्चा सिपे सरदार रहूँगा। क्योंकि जो हमारी भी अपब्रिंगिंग रही है, हमने बचपन से देखा है राजा साहब किस तरह से, जब भी कोई गरीब औरत अगर कोई दूर से उनको नज़र आता था, कोई औरत रो रही है या कोई गरीब बच्चा कोई रो रहा है या कुछ है, वो रोना शुरू हो जाते थे और वो उनका दर्द अपना दर्द समझ के अपने आप, मतलब एक हमने कई कहानियाँ सुनी हैं, कोई चंबे की औरत थी उसको अपने हेलीकॉप्टर में लेके गए, उसका इलाज करवाया, बहुत उस तरह का पुरुष ना कि आज के ज़माने में आना मुश्किल है, बल्कि आगे कई ज़माने में भी आना बहुत मुश्किल है। हिमाचल प्रदेश के विकास के मसीहा, आधुनिक हिमाचल के निर्माता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की आज जयंती के उपलक्ष्य में हम सभी कांग्रेसजन इकट्ठे हुए, हमारे ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष और समस्त सारे ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारियों ने और विधायक जी ने खुद आकर यहाँ पर सभी हॉस्पिटल में आकर सभी मरीजों को फल फ्रूट वितरित किए। उसके बाद हमने श्रद्धा सुमन उन अर्पित किए, और उसके बाद जैसा कि राजा वीरभद्र सिंह की जो स्थिति थी, जिस प्रकार से वो गरीबों के साथ प्रदेश का एक एक गरीब उनके दिलों में बसा था, उनकी उसी चीज़ को लेकर हम भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलना का प्रयास करेंगे, और हम भी चाहेंगे कि हम भी समाज के लिए कुछ, उनकी जो दी हुई हमारा मार्गदर्शन है उस पर चलकर हम समाज के लिए कुछ भागीदार करें। यही हमारी सच्ची जो है उनके लिए श्रद्धांजलि उनके लिए रहेगी। और मैं समझता हूँ कि आज पूरा प्रदेश राजा वीरभद्र जी को याद कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज वो हमारे सभी के साथ वसी अंग संग खड़े हैं, जैसे